दोस्तों, आकांक्षा दुबे भोजपुरी सिनेमा की कितनी बड़ी अदाकारा थी ये बताने की जरूरत नहीं है। उनकी फैन फॉलोइंग ये बताने के लिए काफी है। अब इतनी बड़ी एक्ट्रेस को कोई रात के 1:30 बजे होटल में छोड़ने आए और उसके साथ उसी के कमरे में 17 मिनट तक रुके और होटल के रजिस्टर में उसकी एंट्री तक न हो। दूसरा, आकांक्षा पार्टी के बाद अरुण पांडे और श्रद्धा की गाड़ी से होटल आ रही थी तो संदीप सिंह ने बीच रास्ते में गाड़ी को क्यों रुकवाया? आकांक्षा को अपनी गाड़ी में जबरन क्यों बिठाया? होटल के कमरे में 17 मिनट तक क्या क्या हुआ था? संदीप सिंह के जाने के कुछ देर बाद ही आकांक्षा की मौत कैसे हो गई? अब इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक ही शख्स दे सकता है दोस्तों, और वो है खुद संदीप सिंह। जी हाँ, वही संदीप सिंह जो होटल वाले सीसीटीवी में आकांक्षा के साथ नजर आया था। और अब संदीप सिंह को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुला लिया गया है और इस बार पूछताछ समर सिंह के सामने बिठा कर होगी। तो इस बड़ी खबर की पूरी अपडेट आपको दिखाते हैं। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए, हमारी ताकत बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें। तो भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत का राज गहराता ही जा रहा है। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गायक समर सिंह को पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने पूछताछ में कई खुलासे किए। अब जहां समर सिंह कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है, कुछ अलग ही थ्योरी गढ़ रहा है, वहीं इस मामले में अब एक बार फिर से शक की सुई संदीप सिंह पर आकर टिक गई है। दरअसल समर सिंह बार बार एक ही बात कह रहा है कि 25 मार्च की रात को वो सारनाथ में तो क्या, वाराणसी में भी नहीं था, वो तो लखनऊ में था। और समर सिंह लखनऊ में अपने होने के सबूत होने की बात भी कर रहा है। अब यानी कि यहाँ पर पुलिस को कुछ अलग ही साजिश की बू आ रही है। पुलिस अब उसी संदीप सिंह को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुला रही है जो कि आकांक्षा दुबे को होटल के कमरे तक छोड़ने आया था। पुलिस को समर सिंह और संदीप सिंह के बीच कुछ तो कनेक्शन नजर आ रहा है। एक तरफ जहां समर सिंह कह रहा है कि वो किसी संदीप सिंह को नहीं जानता, वहीं समर सिंह के ही फोन की जांच में कुछ और ही सामने आया है। इसीलिए होटल के सीसीटीवी में दिखे संदीप सिंह को फिर से पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। दरअसल संदीप सिंह से पहले भी पूछताछ की गई थी, मगर उस वक्त संदीप सिंह ने पुलिस को सिर्फ इतना ही कह दिया था कि वो तो सिर्फ आकांक्षा को ड्रॉप करने आया था और इसके बाद चला गया। आकांक्षा की मौत के बारे में उसे कुछ नहीं पता। अब पहले पुलिस भी आकांक्षा के केस को इतना सीरियसली नहीं ले रही थी, मगर यूपी सरकार के दखल के बाद वाराणसी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और समर सिंह के बाद पुलिस अब संदीप सिंह को टारगेट करने जा रही है। दरअसल पुलिस सूत्रों की माने तो जांच में सामने आया है कि संदीप सिंह समर सिंह को पहले से जानता है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, कई सालों से जानते हैं। समर सिंह के फोन की जांच में ये साफ हो चुका है, इसीलिए पुलिस ने संदीप सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है और पुलिस संदीप सिंह और समर सिंह से एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। अब समर सिंह की पुलिस रिमांड पर कोर्ट का फैसला 11 अप्रैल को आएगा और ये तय माना जा रहा है कि पुलिस को समर सिंह की रिमांड मिली जाएगी। इसलिए 12 अप्रैल को संदीप सिंह को भी पुलिस थाने में बुलाया गया है ताकि दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सके। पुलिस सूत्रों की माने तो समर सिंह के आकांक्षा से संबंध थे और समर सिंह ने आकांक्षा के कई प्राइवेट वीडियोस बना के रखे थे और उन्हीं वीडियोस को लेकर वो आकांक्षा को ब्लैकमेल करता था, वायरल करने की धमकी देता था। और संदीप सिंह को भी इस बात की अच्छी तरह जानकारी थी, संदीप सिंह की नॉलेज में ये सब कुछ था। अब पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी को मिलाना शुरू किया तो समर सिंह और संदीप सिंह एक ही कड़ी में नजर आए। दरअसल होटल के सीसीटीवी में सभी ने देखा कि संदीप सिंह आकांक्षा के साथ गाड़ी से उतरा है और आकांक्षा के साथ वो होटल के अंदर एंट्री करता है और संदीप सिंह आकांक्षा के कमरे में भी गया था। ये सब सीसीटीवी वाली फुटेज में सबने देखा है। साथ ही साथ ये भी नोटिस किया होगा कि उसी सीसीटीवी में संदीप सिंह बार बार किसी से फोन पर बात भी कर रहा था। अब संदीप ने भले ही कॉल्स को डिलीट कर दिया हो, मगर समर सिंह के फोन की जांच में सामने आया है कि 25 मार्च की रात संदीप ने समर सिंह को कॉल किया था। अब ये कॉल क्यों की गई थी और दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये जानना जरूरी हो गया है, इसीलिए संदीप सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो अब कुल मिलाकर सामने आएगा कि होटल के कमरे में 17 मिनट तक क्या क्या हुआ था, संदीप सिंह ने अरुण पांडे की गाड़ी से आकांक्षा को अपनी गाड़ी में क्यों बिठाया था, और सबसे जरूरी बात, क्या होटल वालों की भी मिलीभगत है, क्योंकि होटल में 17 मिनट तक कमरे में रहने वाले शख्स की रजिस्टर में एंट्री तक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि होटल में वीवीआईपी गेस्ट ठहरे हुए हैं, जबकि होटल वाले हर किसी की एंट्री करते हैं, मगर संदीप सिंह की होटल में किसी भी तरह की एंट्री क्यों नहीं है। और इन बातों का सच अब संदीप सिंह ही बता सकता है। तो अब संदीप सिंह ही समर सिंह का कच्चा चिट्ठा खोलेगा। समर सिंह और संदीप सिंह एक दूसरे के सामने बैठकर पुलिस की मौजूदगी में सच सच बोलेंगे। तो इंतजार कीजिए 12 अप्रैल का, क्योंकि इस दिन बड़ा धमाका होने वाला है।
तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या समर सिंह और संदीप सिंह के बीच कोई कनेक्शन है? क्या आकांक्षा की मौत से इन दोनों का कोई गहरा नाता हो सकता है? आप क्या सोचते हैं कमेंट में, इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल के साथ जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बने। तो समर सिंह को वाराणसी की जिला जेल में रखा गया है। अब जेल में समर सिंह की हालत खराब हो गई है। जी हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि जेल के अंदर भी समर सिंह ठीक नहीं है। समर सिंह की कंडीशन बेहद खराब हो गई है। अब जेल में जब समर सिंह को लाया गया था तो क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। तो 8 अप्रैल की शाम को करीब 6 बजे के आसपास समर सिंह को सुनवाई के बाद बाहर निकाला गया और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट भी है, वो ट्विस्ट आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इस बीच समर सिंह को शाम के करीब 7:15 बजे के आसपास वाराणसी की जेल में पहुंचा दिया गया। अब जेल में पहुंचते ही समर सिंह का सामान वहां पर हैंडओवर किया गया और समर सिंह को जरूरी दस्तावेजों के साथ जरूरी फॉर्मेलिटी के बाद जेलर के हवाले कर दिया गया। अब जेल में पहले से ही पता था कि समर सिंह आने वाला है, लिहाजा उसके लिए तैयारियां पहले से ही थीं। जेल के अंदर समर सिंह को सबसे पहले वेटिंग रूम में रखा गया। हालांकि जेल में सभी नए आने वाले कैदियों को मास्क दिया जा रहा था, मगर समर सिंह ने गमछा लगाया था, लिहाजा उसे मास्क नहीं दिया गया। और कुछ देर वेटिंग रूम में बिठाने के बाद समर सिंह के साथ दो बंदी रक्षक आ गए और आगे आगे जेलर, पीछे पीछे समर सिंह और उसके पीछे बंदी रक्षक चलते रहे। जेल सूत्रों के मुताबिक समर सिंह को सीधे ही बैरक नंबर 10 में ले जाया गया। जी हां, बैरक नंबर 10 में समर सिंह को पहुंचाया गया और वहां पर बैरक नंबर 10 की सेल में उसे पहुंचाकर दरवाजा बंद कर दिया गया। अब यहां समझिए कि उसकी बैरक की क्या हालत है। वैसे तो बैरक नंबर 10 काफी बड़ी है, मगर इसमें कई सेल बनी है और नए आने वाले कैदियों को फिलहाल वाराणसी जेल की बैरक नंबर 10 में ही रखा जा रहा है और इसे क्वारंटाइन बैरक बनाया गया है। कोविड के फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए बैरक नंबर 10 में ही नए कैदियों को रखा जा रहा है। आगे देखिए, बैरक नंबर 10 में जो सेल दी गई है वो 8x8 की छोटी सी सेल है। जी हाँ, बेहद ही छोटी, 8 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी। इसी 8 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी सेल में ही समर सिंह को रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक समर सिंह को इस दौरान एक कंबल दिया गया, एक थाली दी गई जो कि किनारों से टूटी हुई थी और एक लोटा यानी कि मग दिया गया। अब यही समर सिंह का सामान था। जेल के अंदर बिस्तर तो है नहीं और चारपाई मिलती नहीं है, लिहाजा समर सिंह को फर्श पर ही सोना था और जो कंबल दिया गया था उसे चाहो तो बिछा लो, चाहो तो ओढ़ लो। साथ ही साथ उस टूटी हुई थाली में पानी से भी पतली दाल दी जाती है और उसी में रोटियां दी जाती हैं। अगर किसी को चावल खाना है तो वो भी उसी थाली में दिया जाता है और जो मग दिया गया है उसी मग से पानी भी पीना होता है और सुबह सुबह के नित्य क्रम के बाद धोना भी और नहाना भी इसी से होता है। यानी कि मामला बेहद डरावना समर सिंह के लिए हो गया है, क्योंकि उसी मग से समर सिंह को भी पीना भी है और धोना भी है। आगे देखिए, अब जिस वक्त समर सिंह को जेल में लाया गया उसके कुछ ही देर बाद रात के खाने का वक्त हो गया था और समर सिंह का पहला दिन था, क्वारंटाइन बैरक में रखा गया था तो उसके लिए उसकी सेल में ही खाना दिया गया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने जेल का खाना नहीं खाया और भूख नहीं होने की बात कही। अब जेल के अंदर समर सिंह के वीवीआईपी ट्रीटमेंट की ऐसी तैसी हो चुकी थी और बिल्कुल सामान्य कैदी की तरह समर सिंह को रखा गया था। रात में समर सिंह के बैरक के आसपास इतनी तेज हैलोजन लाइट जल रही थी कि जिससे रात भर पूरी बैरक में उजाला रहा, गर्मी रही और सोने के लिए अंधेरा तक नसीब नहीं हुआ। हालत ये रही कि रात भर समर सिंह सो नहीं पाया, रात भर जागता रहा, रात भर परेशान होता रहा। एक तो हैलोजन का उजाला और ऊपर से मच्छरों ने समर सिंह को बुरी तरह परेशान कर दिया। समर सिंह तो एसी रूम में रहने का आदी है, मगर यहाँ पर मच्छरों के साथ ही बदबू ने भी समर सिंह की हालत खराब कर दी थी। जेल सूत्रों की माने तो समर सिंह कभी जमीन पर बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी चलने लगता, कभी लेट जाता। रात भर समर सिंह बेचैन रहा, यहाँ तक कि वो रात में कई बार रोने भी लगा। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक समर सिंह रात में रोने लगा और खुद को ही कोसने लगा कि किस मनुष्य पर वो आकांक्षा के करीब आया था और क्यों उसने आकांक्षा के साथ गलत किया। जी हाँ, बाहर भले ही समर सिंह खुद को बेकसूर बता रहा है, मगर जेल की रात में खुद से ही बड़बड़ाते हुए समर सिंह खुद को कोसता रहा, गालियां देता रहा और यहाँ तक कहता रहा कि उसने जो आकांक्षा के साथ किया अब आकांक्षा ही उसका बदला ले रही है, इसीलिए मेरी हालत इतनी खराब हो गई है। आगे देखिए, रात भर समर सिंह बेचैन रहा और उसके बैरक नंबर 10 के पास मौजूद बंदी रक्षकों की माने तो रात भर समर सिंह खुद से बातें करता रहा, खुद को कोसता रहा, खुद को गालियां देता रहा और बार बार आकांक्षा का नाम लेता रहा। और समर सिंह के लिए पहली रात, जेल वाली पहली रात बेहद डरावनी गुजरी, बेहद मुश्किल हालात में गुजरी। अब कंडीशन ये है कि जेल में तो समर सिंह पहुंच गया है, मगर अभी ये टेम्पररी जेल है। जी हाँ, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही दिन समर सिंह इस जेल में या कहें कि इस बैरक में रहेगा और उसके बाद 10 अप्रैल सोमवार को कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है।